आमिर खान की फिल्म पीके कितनी बड़ी हिंदू विरोधी फिल्म थी, किस तरह से उसमें हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया गया था, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, ये हम सभी ने देखा था। इसी फिल्म में एक सीन था भगवान शिव को लेकर, जहां पर एक किरदार भगवान शिव की भूमिका में नजर आता है, जिसे आमिर खान बाथरूम से लेकर जनता के बीच में दौड़ाते हुए नजर आते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। और उस कलाकार का मजाक नहीं उड़ाया गया था, भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया था, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा है, लेकिन जब खुद के धर्म के ऊपर बात आती है तब ये कहते हैं कि भैया हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बात जब दूसरे धर्म पे हो तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक सीन का हिस्सा है, ये एक फिल्म है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे, दोगला पानी कहोगे ना उनका। तो इसी सीन को जिस किरदार के ऊपर फिल्माया गया था, जिस कलाकार के ऊपर फिल्माया गया था, यानी कि अनिल नाम के जो कलाकार हैं, जो कि रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में भी आने वाले हैं और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं आज, तो इन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और साफ सफाई जो दी है वो साफ सफाई मुझे तो ठीक नहीं लगी और किसी को भी ठीक नहीं लगेगी। ये सीधे सीधे तौर पर यही दिख रहा है इनकी बातों में कि आप बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बॉलीवुड में काम करते हैं। इनका ये कहना है कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब अनुपम खेर की तस्वीर के साथ मेरी पीके वाली तस्वीर को भी शेयर किया जा रहा था। पीआर टीम और मीडिया को इसकी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इसे समझदारी से निपटना चाहिए कि आप एक फिल्म को महान बनाने के लिए दूसरे फिल्म को नीचे नहीं गिरा सकते हैं। जहां तक फिल्म के सीन की बात है, कोई भी फिल्म मेकर, कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर ये नहीं चाहता कि जाने अनजाने में भी किसी देवी देवता या धर्म या जाति का मजाक बना दे। यहां तक कि मेरा परिवार भी भोलेनाथ को मानता है, उनकी पूजा करता है, मैं खुद भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब ऐसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण होने की बात नहीं थी। जो लोग इस सीन को वास्तविक तौर पर जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जब मैंने फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये फिल्म में इस सीन का होना जरूरी था, क्योंकि भगवान जो है एलियन की मदद के लिए किसी को भेजते हैं जो अपने खोए हुए रिमोट की तलाश कर रहा था, वह उसे उसके रिमोट तक लेके जाता है। ये भी फिल्म देखने का एक नजरिया हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक कलाकार जो भगवान शिव की भूमिका में है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहा है और उसी दौरान एक पागल इंसान के चंगुल में फंस जाता है। दुनिया में धर्म के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर इन सब चीजों पर रिएक्ट करने के पहले 10-15 मिनट सोचे फिर कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको देखना होगा कि कहीं आप नफरत तो नहीं फैला रहे हैं। नफरत कौन फैला रहा है ये तो हम सभी जानते हैं, इस फिल्म के माध्यम से कितनी नफरत फैलाई गई थी ये हम सभी ने देखा। इस फिल्म में सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट किया गया था और जानबूझकर किया गया था और बड़ी ही चतुराई से किया गया था, और नतीजा यही है कि आज आमिर खान जिस हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे थे आज खुद हिंदू धर्म की पूजा कर रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, हाथों में कलावा पहने हुए हैं, कलश पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, उनका करियर चौपट हो गया। ऐसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो आज इन बातों को नहीं मानते, धीरे धीरे जब उनका करियर समाप्त होने लगेगा तब हर कोई यही बात मानेगा। आपने देखा होगा कि फिल्म रिलीज के पहले लोग क्या क्या करते थे, अब सीधे काशी विश्वनाथ यात्रा कर रहे हैं, उज्जैन महाकाल की यात्रा कर रहे हैं, सीधे सीधे हिंदू धर्म को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में कालनेमी नाम के लोग बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, ये अवसरवादी लोग हैं और अवसर देखकर ही अपना धर्म बदल लेते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में अगर कोई ये कहे कि मैं इस धर्म के ऊपर चलता हूँ, ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में छिपे हुए लोग बहुत ज्यादा हैं और ये वक्त पर अपने फन निकाल कर काटने का काम करते हैं। तो अनिल जो है ये फिल्म कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, हो सकता है रोहित शेट्टी की फिल्म पर भी भारी पड़ जाए।